आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। गणेश उत्सव करीब है, जिसकी धूमधाम पूरे देश में देखने को मिलती है। बुद्धि विनायक भगवान गणेश के इस 10 दिवसीय उत्सव को खासतौर से महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में घर में गणपति स्थापित किए जाते हैं और 10 दिनों बाद उनका विसर्जन किया जाता है। जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं, जिसमें लोग एकजुट होकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश जी निराकार दिव्यता है, जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र है। गण का अर्थ है समूह। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वाइच नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी है गणेश जी। वे ही वह सर्वाइच चेतना है जो सर्वव्यापी है और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करती है। हिंदू धर्म में गणेश जी सर्वाइप्री स्थान रखते हैं। गणेश जी शिव जी और पार्वती के पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। सभी देवताओं में इनकी पूजा अर्चना सर्वप्रथम की जाती है। श्री गणेश जी विघ्न विनायक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर एवं मंगलदायक है। वे एक दंत और चतुर्बाहु है। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी है। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? आदि शंकराचार्य जी ने गणेश जी के सार का बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र में विवरण किया है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार या स्वरूप वास्तव में उस निराकार परब्रह्मा रूप को प्रकट करता है। वे अजम निर्विकल्पन निराकार में कम है, अर्थात गणेश जी अजम अर्थात अजन में है, निर्विकल्प अर्थात बिना किसी गुण के है, निराकार अर्थात बिना किसी आकार के है और वे उस चेतना के प्रतीक है जो सर्वव्यापी है। गणेश जी वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। जानकार विद्वानों का मत है कि शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उबटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिवगणों और भगवान गणेश के बीच जबरदस्त युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे प्रलाप करते हुए रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी की काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मुंह कर नहीं सो सकती, तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा।
उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वाइप्री होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि आखिर पार्वती जी के शरीर पर मैल क्यों था। जानकार विद्वानों के अनुसार पार्वती प्रसन्न ऊर्जा का प्रतीक है। उनके मैले होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है और आपको आपके केंद्र से हिला सकता है। मैल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वाइच सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक है। इसी मैल को हटाने उन्होंने उपटन लगाया और इसी उपटन से भगवान गणेश का जन्म हुआ। आखिर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर क्यों? तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान, जो कि मस्तिष्क का गुण है, वह ज्ञान को नहीं पहचानता। तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाने के लिए शिवजी ने गणेश जी के सिर को काट दिया था। जानिए हाथी का ही सिर क्यों लाया गया। हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं, वे हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, नहीं वे उनसे रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। जानकार विद्वान बताते हैं कि भगवान गणेश की उत्पत्ति की और भी अनेक कथाएं प्रचलित है। इसमें एक कथा है जिसमें पुराणों में गणेश के संबंध में अनेक आख्यान वर्णित है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के शिष्य शनि देव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव ध्यान में थे तो शनि देव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थीं। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनि देव आंखें नीची किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती ने देखा कि शनि देव किसी को देख नहीं रहे हैं। वे लगातार अपनी निगाहें नीची किए हुए हैं। पार्वती ने शनि देव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है? शनि देव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने शाप दिया है कि वो जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा शाप क्यों दिया है? तो शनिदेव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर देखा नहीं। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे शाप दे दिया कि मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे, सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश की ओर धीरे से देखा। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुँचे और गणेश के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। वहीं लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पाश था। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इसी तरह से ब्रह्मा वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी भगवान गणेश जी के अवतार की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती है। प्रजापति विश्वकर्मा की सिद्धि बुद्धि नामक दो कन्याएं गणेश जी की पत्नियां हैं। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के शोभा संपन्न दो पुत्र हुए। शास्त्रों और पुराणों में सिंह, मयूर और मूषक को गणेश जी का वाहन बताया गया है। भगवान गणपति के प्राकट्य, उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम विग्रह के विभिन्न रूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में प्राप्त होता है।
संकल्प भेद से उनके अनेक अवतार हुए हैं। उनके सभी चरित्र अनंत हैं। इसी तरह पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुषाकृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगे कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।